हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। खबर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दतिया से है। भागवत कथा का दिव्य दरबार बड़ा ही अद्भुत देखने को मिला। आइए जानते हैं इस दरबार का क्या रहस्य है हमारे संवाददाता हरिओम परिहार के साथ। हमारे साथी लोग आए हैं और दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। पहले तो मैं कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं तो उनसे भी मैं चर्चा करूँगा, रूबरू होऊंगा और आगे चल के देखेंगे क्या। यहाँ पे खड़े हुए और हमारे जो दर्शक हुए आ रहे हैं, चलिए मैं उनसे भी बात करता हूँ थोड़ा सा और चर्चा भी करूँगा। आप कैसे, आप कहाँ से आए हुए थे और कहाँ आए थे, आने के बाद यहाँ कब आए आप और पहले किस स्थान पे गए थे? अभी ये लोग दतिया से चल के वीरेंद्र शास्त्री जी की जो कथा वहाँ चल रही है, आज दिव्य दरबार लगा हुआ था जिसमें ये लोग शामिल हुए थे, तो उसी कथा को सुनकर भी ये लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ ब्रह्म बालाजी के दर्शन करने चलते हैं। तो और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत से लोग देखिए कथा का भी एक से है। वहाँ पर जनसंख्या 6-7 लाख मतलब जनता होकर रही, अच्छे से महाराज जी के दर्शन भी हुए, बहुत नजदीक से भी हुए और सबसे महाराज जी ने उन्होंने नियम बताए हैं तो अभी यहाँ पे आप लोग आए हुए उसके बाद में आप कहाँ जाना चाहते हो वैसे और फिर प्रस्थान कर रहे हो या फिर और कहीं जाना चाहते हो? इसके बाद में हमारा मनोभाव श्री कालका के दरबार ओरछा में जाने का है, क्योंकि यहाँ पर मिला हुआ आपके साथ में शामिल हो गए। अभी ये लोग बता रहे हैं कि अभी यहाँ से ओरछा जाएंगे, ओरछा में जो रामलला की आरती होती है तो उसके ये लोग दर्शन करेंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, चलो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? आप कहाँ से चल के आए हो और यहाँ सकता हूँ और पूछता हूँ यहाँ के बारे में क्या रहस्य है क्या नहीं। चलिए मैं भारत जी आपका क्या नाम जान सकता हूँ? मैं भगवान बालाजी का पुजारी हूँ और ये सूर्य जी ये त्रिलो मानो जी ये तीनों लोगों में ढूंढने वाले जी जब उदय होते हैं तो रूप भक्त में आते हैं तो भगवान शंकर का भक्त में आते हैं तो भगवान विष्णु का रूप। तो यहाँ चरणों के लिए विशेष ऐसा चित्र दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊँ, आपके यहाँ तीन दरवाजे दिख रहे हैं। जब सुबह जब आरती होती है 5:15 बजे ये आरती होती है सूर्य उदय के नियम से, सर्दियों में अपने हिसाब से सूर्य उठता है आप तो ये सब जानते ही, और गर्मियों में अपने हिसाब से समझ रहे हैं, गर्मियों में सूर्य 7:30 के करीब उठता है, जब अस्त होता है तुरंत यहाँ आरती ये कितनी दिन का रहे होगा? एक दिन का हजारों वर्ष का नियम है, हजारों। अभी पब्लिक तो काफ़ी देखी है और यहाँ का प्रतिदिन का इसी तरह जी 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 यहाँ प्रतिदिन का यही है। ये कौन से जिले में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये दूरी दतिया से 17 किलोमीटर और झांसी से 17 किलोमीटर, तो झांसी यूपी पड़ता है, ये बॉर्डर पड़ता है यहाँ मतलब 2-3 किलोमीटर दूर। आप यहाँ से पुजारी हो? आप ये महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ के रस के बारे में बताया गया। यहाँ हजारों वर्ष से हजारों वर्ष
यहाँ इनके टुकड़े भी हैं। आप प्रत्यक्ष बता सकते हैं? प्रत्यक्ष मैं बता सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ, वर्तमान में। चलिए मैं महाराज जी के साथ जाता हूँ, थोड़ा सा एक प्रत्यक्ष देखता हूँ। प्रत्यक्ष बताएंगे हम आपको। चलिए हजारों क्विंटल उनमें घी पड़ा हुआ है। चलिए मैं वो भी आज प्रत्यक्ष देखने जा रहा हूँ। आइए आप, आइए आइए। ये कुए हैं दो, यहाँ पे जो महाराज जी ने अभी हमारे लिए बताया गया था वो आज हम घी के कुएं देखने आए हुए हैं, तो महाराज जी का प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देखिए किस तरह ये कुएं हैं और मैं जाकर भी ये देखूंगा वाकई में। ये देखिए ये कुआ वाकई में घी घी दिख रहा है इसमें, वैसे भी